पिछले कई सालों से महानगर कोलकाता के हर हिस्से हर इलाके में निःशुल्क पियाऊ यानी फ्री कोल्ड वाटर डिस्पर्समेंट मशीन का जाल बिछाने वाले श्री 108 प्रमाण सागर जैन फाउंडेशन की ओर से आज भी ये नेक कार्य जारी रहा। आज कोलकाता की भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों में से एक कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी कि चितरंजन अस्पताल के परिसर में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दो दो प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इनमें से एक प्याऊ मीनू साड़ी जबकि दूसरा प्याऊ रूपा फाउंडेशन की ओर से स्पॉन्सर किया गया। आपको बता दें कि संस्था की ओर से अब तक कुल 1,080 प्याऊ लगाए जा चुके हैं। वहीं इस खास मौके को और भी खास बनाने में मौजूद थे टीएमसी कोर कमेटी मेंबर प्रोफेसर ओबाजुल हक, टीएमसी माइनॉरिटी सेल महासचिव एहते सामुल हक, टीएमसी माइनॉरिटी सेल के एक और महासचिव मुख्तार अली, उनके अलावा एंजेलिना मेंटोस जसनानी, सबीर अली आदि के अलावा इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार दिनेश कुमार जैन, महेंद्र गुप्ता, अनिल जायसवाल, साई नंद किशोर जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता शेख महबूब, सुनील जैन, संदीप जैन, अकबर हुसैन बादल, शेख मिराज आदि ने अपना भरपूर योगदान दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पानी पिलाना सभी धर्म में एक पुण्य का काम माना जाता है और देखा जाए तो सही मायने में इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती जो कि एक प्यासे को पानी पिलाने से मिलती है। सभी मेहमानों ने दिनेश जैन और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप सब मानव सेवा का काम कर रहे हैं और समाज और देश को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। हमारी माँ माटी मानुष की सरकार जो नेत्री है ममता बनर्जी के प्रेरणा से हम लोग आज 1079 पानी का ओपनिंग होने दोनों हुआ। ये 180 हो गया, 1080 हो गया। तो विशेष कर मैं ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह प्रेरणा दी। 2011 में जब सरकार बनी थी उन्हीं के प्रेरणा से ही बना और आगे भी बनते रहेगा। इसमें सब सहयोगी है, रूपा फाउंडेशन है, मामराज के यहाँ ऑनर है, मीनू साड़ी वाले भी है, पेट्रोन के भी है, एफास वाले भी है, काफ़ी जैन समाज के भी सब काफ़ी लोग हैं यहाँ, सुनील जैन है, सब है। तो हम चाहते हैं सबका सहयोग से बनते रहेगा और आगे हम लोग पानी पिलाते रहें। ये गर्मी के टाइम में हम लोग ऐसे भी पानी तो पिलाते ही हैं। हम लोग अभी ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस वालों को डेली ग्लूकोज का पानी दे रहे हैं जैन समाज की तरफ से। ये हम लोग राजस्थान वाले कहीं हम लोग तो बंगाली हो गए लेकिन हमारे बाप दादा ये सिखाएँ प्यासों को पानी पिलाओ, वो सबसे इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। मैं पुनराय हमारे यहाँ के टीएमसी के जो चेयरमैन है बॉबी हकीम को भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे माइनॉरिटी सेल के जितने भी भाई आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। ये लोग हम लोग को सहयोग करते, आशा करता हूँ आगे भी लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। क्या संदेश यहाँ सब देंगे? संदेश तो ये है, दीदी जब तक है उनके मन में जब तक दया करुणा है हम लोग उनके साथ है और देश का सेवा करते रहेंगे। देखो ये तो इतने के बड़ो भालो काज आर किछु होते पारे ना। हमारे धर्म इस्लाम धर्म बोले प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। ये काजटा करछेन जैन समाजे दिनेश जैन हमारे मीनू साड़ी अग्रवाल साहेब आज परमानंद अग्रवाल इनरा मिले जे ये भावे काज करछेन एवं 1,080 मेशिन लागिएछेन नॉट ए जोक, बिराट बड़ो काज। এবং সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং ইনি বললেন যে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মমতা ব্যানার্জি শুধুমাত্র মানুষের জন্য কাজ করেন, খেটে খাওয়া মানুষ দিন দরিদ্র মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করেন, তারই পরম্পরা রক্ষা করছেন এই রাজস্থানের মানুষরা এখানে এসে বাংলাকে বলছে আমরা বাঙালি হয়ে গেছি। এর থেকে বড় ভালো ভাইচারা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আর কী হতে পারে? আমার ভালো লাগছে এই পানি কিন্তু শুধুমাত্র জৈন সমাজ খাবে না, পান করবে না। এই পানি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ মানুষ পান করবে, এই পানি মহিলারা পান করবে, এই মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঊর্ধ্বে থেকে এই যারা বড় কাজ করছেন এর থেকে বড় সেবা, এর থেকে বড় রিলিজিয়াস ধার্মিক কাজ হতে পারে না বলে আমি মনে করি। এর জন্য আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি দিনেশ জৈনের যা ফুল টিম এবং মিনু সারি যে রূপার যারা ওরা মেশিন লাগাচ্ছেন ওনার পিতাজির নামে ওনার এবং আমরা ভাবি যে আছেন ওদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এহতাসমুল হক সাহেব থেকে শুরু করে মুক্তার সাহেব আছেন, আমাদের সব অ্যাঞ্জেলা ম্যাডাম আছেন, সাবির আছেন, সবাইকে যে আমাদের মেহবুব সাহেব আছেন, বাদল দারা আছেন, সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে যারা আপনারা যে কভার করছেন এই রোদ্দের মধ্যে আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এর ফল যে কি পাবেন এনারা, আমরা বলি বেহেস্ত স্বর্গও এরা কিনে নিচ্ছেন এনারা এইভাবে পানি খাইয়ে মানুষকে, এর থেকে বড় ভালো কাজ হতে পারে না। আমি যখন প্রথম শুনলাম খবর পেলাম এহতাসমুল হক সাহেব কালকে আমাকে ফোন করলেন, আমি সমস্ত মিটিং কাটছাট করে বারাসাতে গেছিলাম প্রোগ্রামে, ওখান থেকে আরেকটা মিটিং প্রোগ্রাম কাট করে এখানে এলাম এবং সত্যি খুব ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে। এই মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো আজকে আমার এবং আমি এই কাজ যে এরা এত ভালো কাজ করছেন এর জন্য আবার এনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।
देखिए मैं कहूँगा हमारे दिनेश जैन और होल टीम को, मीनू साड़ी के और समझ लिए रूपा के रूहे रवा को, इनका कहना है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तो मानवता का इससे बड़ा मिसाल कुछ हो नहीं सकता है जो दिनेश जैन और उनके पूरे टीम, मीनू साड़िया उनके साथ में जितने भी हमारे अनिल साई साहब जितने भी है, धर्मेंद्र वगैरह जितने भी, होल टीम को मुबारकबाद देंगे। देखिए मानवता का ये सबसे बड़ा मिसाल है कि पानी पिलाना, ठंडा पानी पिलाना। देखिए वो 1080 प्याव मशीन लगाए हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। ये समझ लिए हम समझते हैं कि हमारे राज्य सरकार की ओर से इनको हर तरह की सहूलत मिलती है। हम मतलब हम पूरे समाज को हम कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहेंगे कि इनको बड़े से बड़े जो सम्मान इनको दे, इसलिए कि इतना बड़ा मानवता के लिए कोई काम नहीं करते हैं। मैं अपनी ओर से, मैं अपनी टीम की ओर से, मैं रियासत वजीर आला ममता बनर्जी की ओर से इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जैसा कि अवैजुल हक साहब ने कहा, हमारे मुख्तार भाई, हमारे अंजलिया मेंटोस जस्तानी, हमारे तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम सबको मुबारकबाद देंगे कि देखिए इससे बड़ा, जिस तरह से कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को और नफरत की दीवारों में मत बांटो इंसान को, तो ये हम लोग इंसानियत के प्रतीक है। हमारे अग्रवाल जी, हमारे दिनेश जैन जी, ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बंगाल के लिए बहुत गर्व की बात है, फख्र की बात है। यही बात करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। हमारा मानव से सेवा करते चाहिए, सेटा कोर्ची जाऊँ और इनदे सकल सहयोगी सेटा संभव होच्छे। আমরা মানুষের সেবা করছি, করতে থাকবো। আই লাইক টু সেকেন্ড ওয়াট প্রফেসর সাহেব সেড দ্যাট আজ যো হুয়া হ্যায় ইয়াহাঁ পে উই কান্ট এক্সপ্লেন ইন ওয়ার্ডস যো জৈন সাহেব অগ্রওয়াল সাহেব যো কর রহে হামারা জৈন কমিউনিটি যো কর রহে 1080 ওয়াটার ড্রিঙ্কিং মেশিনস ইজ ফিনোমিনাল, ইটস অ্যাবসোলিউটলি সামথিং অ্যামেজিং অ্যান্ড অ্যাজ হক সাহেব সেড He is making his place in heaven because giving water, we in our Bible is written that you must feed the thirsty, you know, give a drink to the thirsty. So I congratulate Mr. Jain and Mr. Agarwal for being here and Professor Saab for being here with us. Thank you very much. देखिए ये काफी दिनों से दिनेश भाई और उनके टीम ये काम रूपा फाउंडेशन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काम कर रही है। ये इंसानियत की सेवा है और तमाम मज़हब में यही कहा जाता है कि पानी पिलाओ। आगे पहले ज़माने में देखा जाता था, घर में कोई मेहमान जाता था तो सबसे पहले उसको पानी दिया जाता था, तो आज ये सेवा ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ख़ास करके हॉस्पिटल के, ये चितरंजन हॉस्पिटल के अंदर में कैंपस में लोगों को पानी का सख्त ज़रूरत है और ठंडा पानी यहाँ मिलना, अभी देख रहे हैं लोग लाइन लगा के है, तो ये एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ पूरे टीम को और आने वाले दिन में ये और भी जगह लगा रहे जहाँ ज़रूरत है, तो ये वक्त की ज़रूरत थी, उन्होंने लगाया। मैं इससे ज़्यादा कहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम करने का मौका मिले, हम लोग भी इनके साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको तो मालूम है मैं रूपा हमारा एक स्वार फॉर्मेशन जैन फाउंडेशन का चीफ पेनोलीजर साई मेरा नाम है। ये हमारे आज हम लोग का 179-180 लगा है, इसमें सहयोग था मेरा मीनू साड़ी के, मेरा अग्रवाल जी का और हमारे हमारे सब जैन समाज के, हमारे जसवाल समाज के नंद किशोर जसवाल जी आए, सबीर भी आए, एकता फाउंडेशन से आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ऐसे हम लोग का सहयोग करते रहें, ऐसे कवर करते रहें। हम लोग देखिए सब जितने भी गरीब लोग हैं, हम लोग इससे भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं और हम लोग को मौका मिलेगा इससे बढ़िया काम करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब हम तो हैं ही है और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग इस कवर कर रहे हैं और हम लोग इससे भी बढ़िया काम करते रहें। बहुत बहुत